हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की और पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप की नेस्टिंग हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीई को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा pytest, ऊपर आपको आइडियली दिख रही है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे ही आपके में भी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू पेज ले लेना है। अब यहाँ पर फॉर लूप की नेस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले चलिए फॉर लूप ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा फॉर, एक वेरिएबल बना लिया i नाम से, इन एक ऑपरेटर है और रेंज यहाँ पे एक फंक्शन लगा लिया है और यहाँ 1,11 कर दिया। 1,11 करने से होगा क्या, एक से लेके 10 तक की चीजें प्रिंट होती हुई आपको नजर आएंगी, ठीक है ना। अगर आप सिंपली इसी को प्रिंट करवा देते तो क्या होता, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ i है ना, तो इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ये चला दिया हमने, इसको सेव करूंगा nasted.py के नाम से, ये हमने इसको सेव करा, ठीक है। अब देखेंगे एक से लेके 10 तक की चीजें प्रिंट होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। एक से लेके 10 तक, 11 दिया ना, तो एक से 10 तक प्रिंट होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं बंद करता हूं, इसके आगे की चीजें हमें करनी है। ये प्रिंट हटाता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें प्रिंट नहीं करवाना, इसकी हम नेस्टिंग करेंगे। फॉर लूप की नेस्टिंग करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे एक और लूप लगाते हैं फॉर जे इन रेंज, ठीक है। तो ये लगा दिया और इस तरीके से अब यहां पर भी 1,11 करेंगे, तो ये हो गया 1,11, ठीक है। तो अब ये 1,11 करने के बाद इसको भी कॉलम देकर के नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट लिख दिया। प्रिंट लिखने के बाद करना क्या होगा आपको, आई को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो जे से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां लिख दिया एंड इक्वल्स टू quotes open, gap, quotes close, ये हमने कर दिया है, ठीक है। और फिर क्या करना है, एंटर करके नीचे आना और प्रिंट एक बार और लिखेंगे और इसको खाली छोड़ देंगे, यानी एक बार गैप, ठीक है। यहां पर F5 करेंगे और एंटर करेंगे, आप देखेंगे इस तरह का एक आउटपुट आपको जनरेट होता हुआ सा नजर आएगा, ठीक है। इसमें एक काम और चलिए करते हैं, देखते हैं इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं। तो यहां पर आकर के यहां पर अगर हम backslash n दे देते हैं, backslash n, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी देख लिया जाए एक बार, ठीक है। अगर मैं backslash n दे देता हूं तो ये देखिए बीच बीच में गैपिंग प्रिंट होने लगेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे मैंने किया, ठीक है। दूसरा, आप आउटपुट पर भी ध्यान दीजिए, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। F5 प्रेस करने पे जब ये चल रहा है तो उस समय आउटपुट आपका क्या जनरेट हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं सिंपल वे में। ये 100 तक ये जनरेट कर रहा है, देखिए यहां पर पहले शुरू से दिखाता हूं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक हो गया ना। फिर 2 से प्रिंट हो रहा है, 2 के बाद फिर दो दो की गैपिंग, 2 के बाद 4, 6, 8, फिर ये जाते 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 कहां तक जा रहा है ये गैपिंग, ये देखिए यहां पे दो दो की गैपिंग जा रही है 20 तक, ठीक है। और फिर 3 से 3 3 की गैपिंग हो जा रही है, देख रहे हैं, फिर 4 से 4 4 की गैपिंग हो जा रही है, फिर 5 से 5 5 की गैपिंग, फिर 6 से 6 6 की गैपिंग, देखिए 6 6 के बाद 12 आ रहा है ना, और फिर 7 से 7 7 की गैपिंग, फिर 8 से 8 8 की गैपिंग, फिर 9 से 9 9 की गैपिंग, फिर 10 से 10 10 की गैपिंग होती जा रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है ना, ओके।